आज के इस वीडियो में हम 8 सितंबर के लिए करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली www.studyforjobs.in पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो मेरे द्वारा लाई जा रही है, मैं हूँ विवेक चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें कि हमने अपने चैनल पर पढ़ाने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया है। अगर आप हमारे चैनल पर पढ़ाने के इच्छुक हैं तो आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक देखिए, या फिर आप दाएं तरफ जो यहाँ पे आई का बटन है इसको दबाकर भी वो वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि हम हर रोज़ एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो कल का क्वेश्चन था कि किसने इक्तादारी प्रथा चलाई, तो उसके लिए चार ऑप्शन यही थे और इसमें जो सही उत्तर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश का राजा था, गुलाम वंश का दूसरा राजा, जो 1210 से 1236 तक राज किया। इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। इसी ने इल्तुतमिश ने इक्तादारी सिस्टम शुरू की और इसमें सैनिकों को बांट दिया जाता था, दे दिया जाता था कि किसी खास व्यक्ति के पास 1000 सैनिक रहेंगे, किसी के 500। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला है, ए वाला, ये 1000 का इक्तदार हुआ और बी वाला है ये 500 का इक्तदार हुआ। अब इसका मतलब ये है कि राजा को कहीं अगर युद्ध लड़ने जाना है तो ये वाला 1000 सैनिक भेजेगा और बी वाला 500 सैनिक भेजेगा। ये होता था इक्ता सिस्टम। तो इल्तुतमिश ने ही इक्तदारी शुरू की थी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमें ढेर सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल ऑप्शन बी कमेंट किए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगली वीडियो से ऑप्शन बी ना लिखें, आप पूरा उत्तर लिखिए और उसके बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, जिससे ये पता चले कि आपने किसी का नकल नहीं किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन उससे पहले उन लोगों के नाम बता दें, उनका नाम है कृष्णकांत, सुधीर चौधरी, अर्जुन सरोज, सीमा तोमर, सुधीर मौर्य, निश्चल अग्रवाल, राज कुशवाहा, सोनू सिन्हा, मोनू सिन्हा, साजन गोस्वामी, इंद्रजीत पुनिया, विनोद चौहान, भारती गुप्ता, राजीव प्रजापति, जानसन, विकास मिश्रा, पिंटू कुमार सैनी, परमंदा वर्मा, प्रियतम सिंह, रोहित राज, काजल सिंह, रामनिवास राजभर, विजय कुमार, रेणु वर्मा, रंजन सोनी, श्रेया भारद्वाज, साद मिर्जा, रोहित राज, जूही लवानिया, सुरेंद्र कुमार, पूनम यादव, मोनिका सिंह, सुरेंद्र कुमार, खान कादिर, उपेंद्र बघेल, शिवेंद्र कुमार, रोहित गोस्वामी, अनिल कुमार और वंदना मित्तल। तो इन्हीं लोगों ने अपना कमेंट करके हमें जवाब दिया था। तो आज के इस क्वेश्चन का आप उत्तर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन शुरू करें तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी मतलब MYC नामक परियोजना के तहत भारत में विकास के लिए कितनी राशि हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसके लिए सही उत्तर है 3.5 मिलियन यूरो। अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भारत ने CNES नामक अंतरिक्ष के साथ समझौता किया है। तो आपको बताना है कि CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये है फ्रांस की, CNES एक फ्रांस की एजेंसी है। अगला क्वेश्चन कि भारत और श्रीलंका के बीच 7 सितंबर 2018 से सिलेनेक्स 18 नामक युद्धाभ्यास आरंभ हुआ है, दोनों देशों के बीच यह युद्धाभ्यास किस वर्ष शुरू किया गया था। तो सबसे पहले यह शुरू किया गया था 2005 में। अगला क्वेश्चन कि हाल ही रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे ई खरीद प्रणाली के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, आपको उसका नाम बताना है, तो उसका नाम है आपूर्ति। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने दलीप ट्रॉफी 2018 का खिताब जीता है, दलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है इंडिया ब्लू ने। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा एक निजी पहल भारत के वीर को ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, इसके संस्थापक कौन है, तो आपको पता होगा कि भारत के वीर ट्रस्ट को चलाते हैं अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन कि मोबिलाइज योर सिटी के तहत भारत ने किन तीन शहरों को शामिल किया है, भारत ने अपने किन तीन शहरों को शामिल किया है जिसका विकास किया जाएगा, तो ये है कोच्चि, नागपुर और अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन कि सेट्स ऑफ ट्रूथ जर्नी डिरेल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको इनके लेखक का नाम बताना है, तो इसके लेखक है कपिल सिब्बल।
अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसके मुख्य आर्थिक सलाहकार चयन समिति का, किसको आर्थिक सलाहकार चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बिमल जालौन को, जो कि पहले गवर्नर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार भगवती कुमार का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? मतलब कि आपको बताना है लैंग्वेज, तो ये है एक गुजराती लेखक थे। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 10 सितंबर 2018 से सरकारी सेवाओं को घर पर प्रदान करने की योजना प्रारंभ हो रही है? तो ये हो रहा है दिल्ली में, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अगला क्वेश्चन कि फियर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बॉब वुडवार्ड। अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित काकुड़ा बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 2018 में किस देश ने काकुड़ा कप 2018 जीता? तो ये जीता है भारतीय नौसेना ने। अगला क्वेश्चन कि G20 शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 5 से 6 सितंबर 2018 पर कहाँ को आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है मेडोजा, मेडोजा अर्जेंटीना में। अगला क्वेश्चन कि BSNL का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BSNL का नया ब्रांड एम्बेसडर तो ये है मैरी काम को। अगला क्वेश्चन कि हाल ही खबरों में रही IPC की धारा 377 का संबंध किससे है? तो ये है समलैंगिकता से, और इस पे जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है कि मतलब यह एक अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही केंद्र सरकार ने किस तरह के वाहनों को परमिट मुक्त करने का निर्णय लिया है? मतलब कि बिना परमिट के आप इनको चला पाएंगे, तो ये है इलेक्ट्रिक वाहन भी हैं, बायो फ्यूल भी हैं और CNG भी हैं, इसका मतलब कि ये तीनों। अगला क्वेश्चन कि हाल ही जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय हवाई परिवहन सेवा किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी हवाई सेवा बन जाएगी? तो आपको बताना है इसका ईयर, और ये है भारत की हवाई सेवा 2026 तक दुनिया की सबसे बड़ी हवाई सेवा होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपके स्क्रीन पर आज का सवाल क्वेश्चन है कि सोने के सबसे अधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइए, और आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली स्टडी और जॉब के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।